अच्छा, शादी आपने कर ली है, फैमिली में की है या आउट ऑफ फैमिली? जी मेरी फैमिली में शादी। बड़ी हैरानकुन बात है वो, इसलिए कि ठीक है आप जिस मट्टी से हैं, मैं क्योंकि आपको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, लेकिन होता ही है कि जब इंसान मशहूर हो जाता है, पैसा भी बहुत आ जाता है, अब फेम भी मिल गया, तो फिर वो कहता है नहीं, फैमिली में नहीं शादी करनी, अब तो बाहर करनी है, मजे की करनी है, तो फैमिली में क्यों शादी कर ली? फैमिली में ये जो फील्ड है ना जी, ये वाली हमारी, सब जानते हैं, आप पितर जानते हैं, तमाम जानती है अब तो, कि आप इस दुनिया में जब रहते हैं तो आपको बिल्कुल लोगों को भी नए नए ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, और इंसान जो खुद इस फील्ड में तो उसको भी आ जाते हैं, क्योंकि आपने मिलना होता है आम रूटीन में, आप मिल रहे होते हैं हर किसी को, हर आर्टिस्ट को आप मिल रहे होते हैं, आप देखिए टिकटॉकर्स हैं, व्लॉगर्स हैं अच्छे, अब हर किसी से मिले, लोग सोचते हैं कि यार नहीं, इनका कुछ चक्कर चल रहा है। मेरे ख्याल में इस फील्ड में हमें बहुत कम होता है कि ऐसा कुछ चक्कर, रिलेशन अपने काम की हद तक बड़ा बेहतर रहता है। लोग समझते थे मेरे बारे में कि ये यार इससे शादी कर लेगा, इससे कर लेगा, जिनके साथ हम रहे हैं, जिनके साथ हमने काम किया बड़ा अच्छा था। जोई हाशमी के साथ आपके कुछ वीडियोस आए तो लोगों ने उसके थंबनेल बनाए कि जी जोई ये तो, हाशमी थी, फिजा अली थी, हाँ फिजा अली के साथ भी मतलब बिल्कुल। वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, लोग मेरे साथ बड़ा अच्छा काम, मेरे साथ दोस्ती रही है, उनकी काम अच्छा अभी तक है, उनके साथ दोस्ती, बड़ा प्यार करते हैं। जोई की तो अब शादी होगी, अल्लाह ताला उसकी जी जी बिल्कुल, उनकी जो हस्बैंड हैं जो ये खुद हैं, अल्लाह ताला इन दोनों की खैर करे और लंबी जिंदगी और आमीन। खुशियां अता करे इन दोनों को। तो मेरे घर का जो मामला है जी, हम मेरे बाबा चाहते थे कि मैं अपनी फैमिली में करूँ, और बाबा ने मेरे की थी कि आप मंगनी जब की थी उन्होंने की थी, अच्छा वहीं पे शादी की आपने तो जहाँ पे मैंने बाबा कह गए थे तो फिर आपको? वो ये था कि घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे मेरे बड़े भाई इमरान, मेरी मम्मा, मेरे तकरीबन घर वाले सारे सर वो चाहते थे कि हम अपनी फैमिली पे, और ये बहुत अच्छा फैसला था, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला था जिसकी वजह से, और हम खुश हैं इंशाल्लाह ताला, हमारी फैमिली खुश है, फैमिली खुश है तो सब खुश हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक और चीज़ ये होती है कि जब आप पैसा कमाते हैं तो हर इंसान में इतना हौसला नहीं होता कि वो पैसा खर्च भी करे या अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करे। मेरे इस पे खास तौर पे अपने करीबी अहबाब में बड़ा इख्तिलाफ रहता है कि जब अल्लाह आपको दे तो आपको ज़रा आपके गाड़ी से, आपके कपड़ों से, आपके लाइफस्टाइल से पता चलना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं। तो नॉर्मली हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, सरायकी पट्टी की अगर हम बात करें वहाँ पे लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा कमाया लेकिन लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल रखा है। तो आपने क्यों लाइफस्टाइल इतना अपग्रेड किया, लेटेस्ट गाड़ियां, मतलब एक अच्छा प्रोटोकॉल, इस तरह क्या वजह थी इसकी? सर मालिक का जब कर्म करता है, मेरे ख्याल में मेरी सोच थी कि मालिक देता है आपको तो आपको बिल्कुल लगाना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, सिर्फ अपने पे नहीं, और वो बताने की जरूरत नहीं होती कि किस पे आप लगा रहे हैं किस पे बिल्कुल नहीं लगा रहे, तो अपना एक अंदाज होना चाहिए। आजकल दुनिया आपको, आप खुद देखें कि लोग देखते हैं कि यार आप क्या हैं, क्या चीज नहीं है, तो मेरे ख्याल में जरूरी था। मैंने अपनी गाड़ियों को, मुझे शौक है, मैं गाड़ियां रखता हूँ, हर दफा जो गाड़ी आती है मेरी कोशिश होती है कि मैं लूँ गाड़ी, ठीक हो गया। घर है कपीर तो बस ठीक है, निजाम में चल रहा है, मालिक का ये नहीं चाहता कि मैं को बहुत ज्यादा कोई फजूल खर्च नहीं हूँ बस, और अपने पे मुझे मजा आता है, क्यों नहीं लगा, दोस्तों पे मुझे खुशी होती है पैसे लगाने की, क्योंकि वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं तो मेरा भी फिर आगे हक बनता है उनको इज्जत, तो इसलिए लग जाते हैं बस, और मुझे नहीं लगता कि कोई, यहाँ जो नहीं लगाते अल्लाह ताला उनको दे दे, क्यों ना लगे, लगाना चाहिए, तो जिंदगी कितनी सी होगी जी, पता नहीं इंसान का कब, यही है दिन है, अल्लाह ताला बेहतरी रखे बस, मालिक जितने तक जिंदगी अल्लाह ताला रहम रखे। आमीन। पहली मोहब्बत कब की थी, पहली कभी प्यार मोहब्बत हुआ हो किसी से? ये सवाल तो नहीं यही होता है ना, बिल्कुल बचपन से बड़े होते होते कोई ना कोई बचपन प्यार हो गया मोहब्बत मोहब्बत या जीत कभी दिल है मुझे टूटा? बड़ी है। नहीं दिल अल्लाह माफ करे क्यों टूटे किसी का, मेरे बाबा घर वाले मुझे सबसे मोहब्बत है, बहुत ज्यादा ये तो बड़ा मोहब्बत है, प्रोफेशनल जवाब है ना। वैसे कभी हुआ किसी से प्यार स्कूल में, कॉलेज में? हो सकता है अब याद नहीं रहा। अच्छा हाँ इतने ज्यादा थे स्कूल याद में नहीं हो रहे जाता था ना, स्कूल से लोग कहते हैं ना कि मैडम से प्यार हो जाता था, ये? हमारे पास तो मैडम ही नहीं थी, हम थे ही दूसरे वाले, वो क्या कहते हैं उनको जो टाट वाले स्कूल में चार्ट जो वाले स्कूल सर में पढ़ाते पढ़े थे हैं, डंडे उसमें वाले? बॉयज के पढ़े हुए, तो आप खुद सोचे मैडम तो हमें मिली नहीं जिंदगी में, तो वो हमारा प्यार रहा ही नहीं, बिल्कुल आप फिक्र रहे हैं उस मामले से। ठीक है। अच्छा आप मुल्क से बाहर अभी जा रहे हैं शोज वगैरह करने, तो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ शो कर रहे हैं? मेरा सर होगा अभी ब्रेडफोर्ड में होगा, बर्मिंगम है, लंदन में होगा, मैनचेस्टर में होंगे, 5-6 हैं, क्योंकि वापस पाकिस्तान वापस आना है मुझे, यहाँ पे मेरे डेट्स बहुत, क्योंकि दो दो तीन तीन चार चार महीने पहले डेट्स लगी होती है, तो उन्होंने अनाउंस किया होता है, तो मैं वहाँ पे, मेरा मुश्किल है इतना ज्यादा रहना, लेकिन जितने दिन हैं, मैं यूके में अभी 11 को, मैं 10 को चला जाऊंगा, ठीक है 16-17 को इंशाल्लाह मेरी वापसी है,
और अल्लाह खैर करे इन जगह पे इंशाल्लाह, वहाँ पे जितने भी हमारे सुनने वाले होंगे इंशाल्लाह वहाँ से उनसे मुलाकात। ये आपका पहला टूर होगा बाहर? यहाँ पे यूके में मेरा पहला टूर। अच्छा, वालिद साहब के साथ जुड़ा कोई यादगार वाक्य हमें सुना दे, कोई खास वाक्य, कोई इकट्ठे जाते हुए कोई वाक्य पेश आया हो या कोई भी किसी किस्म का कोई वाक्य। वाक्य सर, बाबा की यादें तो इतनी ज्यादा हैं कि अब उनको तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ एक पैगाम उस मामले में दे दूंगा या वाक्य शायद मैं उस तरह ना बयान कर सकूं कुछ भी। हम कई दफा जो बंदा हमारे करीब सर होता है ना, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार वो बस है पास, लेकिन वाकई में उसकी कदर बाद में होती है। और मैं मुझे लगता है कि हमें कदर बहुत पहले कर लेनी चाहिए इंसान की, क्योंकि आप बाद में पूरी जिंदगी बचाते रहते हैं। मुझे बाबा का दुख है, मैंने टाइम उनके साथ गुजारा है, मैं चाहता तो और ज्यादा टाइम उनके साथ गुजार सकता था और बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकता था। वो मुझे हमेशा याद रहेगी। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, आपको सुनते हैं, जो आपके पास मौजूद है उनसे प्यार करें, उनको टाइम दें, ताकि आपको बाद में उनका ना ये ना कहना पड़ेगा यार वो बहुत अच्छा बंदा था। आपकी जिंदगी में आप कहें कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, इसके साथ मजा है। इंशाल्लाह खुद ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते बहुत हैं? बहुत कम मुझे ड्राइव इतना, क्योंकि मैं शोज पे ज्यादा रहता हूँ। ड्राइव शो मुझे इतना टाइम से मैं चला रहा हूँ गाड़ी, उस टाइम तो कहीं क्या करता, अब टाइम इतना नहीं। वो साथ बैठते हैं, लड़के होते हैं, ड्राइवर्स हैं सारे हैं, वो फिर उन्हीं के साथ। और मुझे ये क्योंकि मोबाइल हम चला रहे होते हैं कभी क्या, तो फोन उधर इतना ज्यादा टाइम नहीं। तो जब कभी खुद ड्राइव किया, कभी चलान हुआ ओवर स्पीडिंग पे किसी और वजह से या मोबाइल से? चलान बहुत हुए सर, मोटरवे पे तो होते रहते हैं। अब मोटरवे वालों के अल्लाह खैर कर, क्योंकि मेरे बाबा पुलिस में रह के बड़ा महकमा इज्जत भी करता है, ये बस इतना समझा के छोड़ देते हैं हमें कि यार हमें आपकी जरूरत है। हम भी शर्म आ जाती है जब ये कहते हैं कि आप हमारा एहसास है, हमें आपकी जरूरत है, आप ये ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ की। कई दफा चलान कर भी दें तो उनका हक बनता है, सबको करते हैं तो क्यों ना करें। चलान होना चाहिए, ओवर स्पीड नहीं होना चाहिए।